भारत पहुंच रहे 40 टन के विशाल पत्थर जहां से निकल रहे देखते ही रोने लगती है जनता। 600 साल पुराने विशालकाय पत्थर सिर्फ एक बार छूने के लिए पागल हो रही हजारों की भीड़। हाथों में फूल माला लेकर गिरते पड़ते भाग रही जनता, कहां से आ रहे दोनों अद्भुत पत्थर? ये दोनों विशाल पत्थर नेपाल की तरफ से तेजी से भगवान राम की नगरी अयोध्या की तरफ आ रहे हैं। हर दिन 125 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों विशालकाय चमत्कारी पत्थरों में ऐसा क्या है कि जहां से निकल रहे हैं देखते ही आसपास के लोग रोने लगते हैं? 600 साल पुराने इन अद्भुत पत्थरों को एक बार छूने के लिए लोग पागलों की तरह भाग रहे हैं। इन दोनों पत्थरों की पूजा करने के लिए लोग हाथों में फूल माला लेकर गिरते पड़ते दौड़ रहे हैं। कोई इन पत्थरों के आगे लेट जा रहा है तो कोई हाथ जोड़कर खड़ा हो जा रहा है। हर तरफ जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। 26 जनवरी के दिन ये दोनों शिलाएं नेपाल से निकली हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को ये दोनों वहां पहुंच जाएंगी जहां इनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। कई महीनों की खोज के बाद भारत के वैज्ञानिकों ने इन दोनों पत्थरों को नेपाल की गंडकी नदी से खोज निकाला है। इन पत्थरों को शालिग्राम पत्थर भी कहा जाता है और कहते हैं कि सिर्फ नेपाल में ही ये मिलता है, इसके अलावा कहीं भी नहीं मिलता। भारत के अंदर ही जब कई लोग रामचरितमानस और भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, नेपाल से भारत तक इस पत्थर को छूने और देखने के लिए लोग पागल हो रहे हैं। जिस रास्ते से ये दोनों ट्रक नेपाल से भारत आ रहे हैं, उस रास्ते में हजारों लोग हर दिन इन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इन शिलाओं की लोग जगह जगह पर पूजा कर रहे हैं। इनके सामने लेटकर लोग रोने लगते हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। दोनों शिलाएं 600 साल पुरानी है। इन पत्थरों को शालिग्राम पत्थर के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें भगवान विष्णु का अंश कहा जाता है। शालिग्राम पत्थरों को शास्त्रों में विष्णु स्वरूप माना जाता है। वैष्णव शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए इस पत्थर की महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये पत्थर सिर्फ नेपाल की गंडकी नदी में ही पाया जाता है। हिमालय के रास्ते से आने वाला पानी चट्टान से टकरा कर इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और नेपाल के लोग इन पत्थरों को खोज कर निकालते हैं और इनकी पूजा करते हैं। रामलला की मूर्ति तैयार करने के लिए लाए जा रहे दोनों पत्थरों का कुल वजन 127 क्विंटल है। इतने बड़े पत्थरों को तराशने के लिए लंबा समय लगता है, इसीलिए महीनों की खोज के बाद शालिग्राम पत्थर के इतने बड़े टुकड़े वैज्ञानिक खोज पाए हैं। भगवान राम की शादी नेपाल के राजा जनक की बेटी माता सीता से हुई थी। इसी जनकपुरी में गंडकी नदी बहती है। इसी नदी से इन दोनों विशालकाय पत्थरों को निकाला गया है। राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्ति उनकी ससुराल मिथिला यानी कि नेपाल की गंडकी नदी के इन शालिग्राम पत्थरों से तैयार की जाएगी। 26 जनवरी के दिन नेपाल से इन्हें रवाना किया गया है। 31 तारीख को ये दिव्य पत्थर पहले गोरखपुर के गोरखपीठ पहुंचेंगे, जहां खुद सीएम योगी भी पूजा करेंगे। इसके बाद 2 फरवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। भारत की तरह नेपाल के लोग भी भगवान राम को अपना दामाद मानते हैं और भगवान की तरह उनकी पूजा करते हैं। यही वजह है कि दोनों विशालकाय शिलाएं नेपाल से भारत के लिए जब निकली तो रास्ते में सड़कों के दोनों तरफ नेपाल के लोग खड़े हो गए और कुछ इस तरह से पूजा अर्चना करने लगे और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। ये दोनों विशाल पत्थर जहां से निकल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कलयुग नहीं बल्कि त्रेता युग आ गया है। रास्ते में लोग इनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की भीड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम खुद लोगों से मिल रहे हैं। युग युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।